बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद, मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। आसमान से बरसती बूंदों ने मौसम का मजा दुबाला कर दिया। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने मौसम को दिलफरेब बना दिया। मुल्क भर में मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल ने रंग जमा दिए। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाओं और बादल बरसने से हब्स की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। कराची में भी कई मकामात पर बूंदाबांदी। लाहौर में अब्रे रहमत जहमत बन गया। नशेबी इलाके जेरे आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। वासा हुकाम नकासी आब को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मौजूद। तूफानी बारिश के बायस बेशतर इलाकों में मुतादित फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद उल अज़हा की नमाज के रूह परवर मनाजिर। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद उल अज़हा अदा करने के बाद मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी करने में मसरूफ। अमरीका, बरतानिया और जापान में भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। पाकिस्तान, भारत समेत बेशतर ममालिक में बकरा ईद कल मनाई जाएगी। बरतानवी और कैनेडियन वजीर आजम की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। हुज्जाज कराम की मीना रवानगी, आज सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। कुर्बानी के बाद हुज्जाज कराम सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। तवाफ जियारत के बाद हुज्जाज रात मीना में गुजारेंगे। ईद उल अज़हा के लिए महकमे दाखिला सिंध की गाइडलाइंस जारी। एक मकाम पर मुख्तलिफ औकात में एक से ज्यादा इज्तमात मुनक्किद किए जाएं। नमाज ईद खुले मकामात पर अदा की जाए। नमाजियों को थर्मल स्कैन से गुजारा जाए। इज्तमा में समाजी फासले को बरकरार रखा जाए। हेडलाइंस आपने जानी टैलेंट न्यूज से। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।